हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में विभिन्न वर्गों के जीवों के बीच की संयोजी कड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। इस टॉपिक से हर बार नीट, पीपीएचटी एवं अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए गैस कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी विषाणु, तो बिल्कुल सही जवाब। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षण मिलते हैं, इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए युगलिना, तो बिल्कुल सही जवाब। युगलिना में पादपों के समान क्लोरोफिल पाया जाता है और जंतुओं के समान इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। इस तरह से इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल एवं जीवाणुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, तो बिल्कुल सही जवाब। साइनोबैक्टीरिया को शैवाल और जीवाणुओं के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। साइनोबैक्टीरिया में शैवाल के जैसे वर्णक पाया जाता है और बैक्टीरिया के समान इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु एवं जीवाणु के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इनका सही जवाब है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया को रिकेट्स नामक वैज्ञानिक ने फीवर का अध्ययन करते समय 1909 में खोजा था और इसमें विषाणु और जीवाणु दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, अतः इन्हें दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया एवं फंजाई के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई के समान पर्णहरिम रहित तंतुवत होता है और जीवाणुओं के समान ग्राम पॉजिटिव प्रकृति वाला होता है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमाइसिटिस को हार्ज नामक वैज्ञानिक ने 1877 में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा एवं फंजाई वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिक्सोमाइसिटिस। मिक्सोमाइसिटिस में प्रोटिस्टा और फंजाई दोनों के लक्षण मिलते हैं और इसीलिए इसका नामकरण मिक्सोमाइसिटिस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा एवं ब्रायोफाइटा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए हार्नवर्ट, बिल्कुल सही जवाब। हार्नवर्ट्स में प्रोटिस्टा और ब्रायोफाइटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी क्लब मास, तो बिल्कुल सही जवाब। क्लब मास में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्मा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी साइकस, तो बिल्कुल सही जवाब। साइकस में टेडोफाइटा के समान रेमेंटा, बहुकसाबिकी शुक्राणु और पत्तियों में सर्सिनेट वेरिनेशन पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्मा के समान इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो विकसित होता है, इसीलिए इनको दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्मा एवं एंजियोस्पर्मा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर है नीटम। नीटम है तो जिम्नोस्पर्म, परंतु इसमें एंजियोस्पर्म के समान संवहनी ऊतक में वेसल पाया जाता है, जो कि इसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं, अतः इसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ एवं पोरिफेरा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना प्रोटेरोस्पोंजिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रोटेरोस्पोंजिया को प्रोटोजोआ एवं पोरिफेरा के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंटेटा एवं प्लेटीहेलमिंथिस के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन सी टीनोफोरा, तो बिल्कुल सही जवाब। टीनोफोरा को सिलेंटेटा और प्लेटीहेलमिंथिस के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। टीनोफोरा को कोम जेली या समुद्री अखरोट भी कहते हैं और ये जीव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं, यानी जुगनू की तरह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का एवं एनिलिडिया के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए नियोपिलाइना। नियोपिलाइना को मोलस्का और एनिलिडा के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन सी पेरिपेटस, तो बिल्कुल सही जवाब। पेरिपेटस जो होता है उसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण मिलते हैं। पेरिपेटस का शरीर जो होता है वो आर्थ्रोपोडा के समान होता है, लेकिन एनिलिडा के समान इसमें छोटे छोटे पार्श्व उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा एवं कॉर्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए बेलेनोग्लोसस, तो बिल्कुल सही जवाब। बेलेनोग्लोसस को इकाइनोडर्मेटा एवं कॉर्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग एवं उभयचर वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन डी प्रोटोप्टेरस, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रोटोप्टेरस को मत्स्य वर्ग एवं उभयचर वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। प्रोटोप्टेरस को फेफड़ा मछली भी कहते हैं। यह है तो मछली पर उभयचर के जैसा जमीन में बिल बनाकर रहता है। नेक्स्ट है, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है? तो इनका सही जवाब है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन को जीवित जीवाश्म मछली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस में सरीसृप एवं पक्षी दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें पक्षियों के समान पंख, पंजे और फीदर पाए जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें सरीसृप के समान पूंछ लंबी होती है और इनके जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिल मछली एवं उपास्थिल मछली के बीच की संयोजक कड़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काइमेरा। काइमेरा में अस्थिल मछली और उपास्थिल मछली दोनों के लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन सी प्लेटिपस, तो बिल्कुल सही जवाब। प्लेटिपस में सरीसृप एवं स्तनधारी दोनों के लक्षण मिलते हैं। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम आर्निथोरिंकस एनाटिनस होता है, इसलिए कभी कभी ऑप्शन में आर्निथोरिंकस भी दिया जाता है। सरीसृप एवं धारी के बीच की संयोजक कड़ी एकीडना को भी मानते हैं, जिसे कटीली चीटीखोर भी कहते हैं, इसलिए कभी कभी ऑप्शन में एकीडना भी रहता है।